आप लोग जरूर आए, इसको जरूर विजिट करें। और अभी यहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है कि हम आधे घंटे से ज्यादा यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा 70वें स्वतंत्रता दिवस की, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। आई होप आप आज के दिन को खुशी और उत्साह से मना रहे होंगे। मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गया था, तो सोचा चलो आप लोगों को आज अपने नेचर को दिखाया जाए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाना चाहूँगा लग वैली के एक बहुत बड़े वाटरफॉल को, जो दिखने में बहुत ही बड़ा है और सुंदर भी है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया हूं जहां पर पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। ये पानी पूरी तरह से नेचुरल है और इसे पिया जा सकता है। जब कभी आसपास के गांवों में पानी की समस्या होती है तो इसी पानी के द्वारा वो अपनी समस्या को दूर करते हैं। तो चलो दोस्तों, यहां पर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है, तो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। मैंने अपने कुछ दोस्तों को भी कॉल की थी इस लोकेशन में आने के लिए, मेरे साथ घूमने के लिए, पर दो तीन दोस्त तो बिजी थे और जो बाकी थे वो लगभग कुल्लू में ही रहते हैं, संडे को ही घर आना पसंद करते हैं क्योंकि सारे निकल पड़े हैं दोस्तों अपने अपने आजीविका के चक्कर में, कमाने के चक्कर में, घर को चलाने के चक्कर में। तो घर आना वो बहुत कम पसंद करते हैं और बाहर ही रहना पसंद करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड एक ऐसी भी लोकेशन है जहाँ पर मैं और मेरे गांव के लोग बचपन में खेलने आया करते थे क्रिकेट। यहाँ पर हमारे गांव से तो बड़ा मैदान है, तब हम यहाँ पर ज़्यादा खेलना पसंद करते थे। परंतु धीरे धीरे लोग जागरूक हो गए और जो ज़मीन लोगों की थी उन्होंने वहाँ पर खेतीबाड़ी शुरू कर दी, किसी ने सेबों के पेड़ लगा दिए, तो अब ये लगभग बंद हो चुका है और लोग अब यहाँ पर आना भी पसंद नहीं करते उतना। तो गाइस, हम करीब करीब वहाँ पहुँचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक वाटरफॉल है, हम वहीं से जा रहे हैं। भाई साहब, ये बहुत ही बड़ा है। अभी मैं थोड़ा लेट हो गया, अगर कुछ टाइम पहले आता तो आपको इससे भी बड़ा दिखने में मिलता। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मैं इससे पहले भी जा चुका हूँ मगर मैं नीचे कभी नहीं गया, मैं इसके ऊपर ही जा गया हूँ। ऊपर से ही मैंने इसको विजिट किया था एक बार। हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। इस बार तो लग वैली में इतने सारे वाटरफॉल ओपन हो चुके हैं दोस्तों, आप लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है इस बार कितनी बार बारिश हुई है, बाढ़ आई है, उसके चलते जो वाटरफॉल हमने कभी देखे ही नहीं वो भी अभी शुरू हो चुके हैं। उनको भी मैं अपनी वीडियोस में दिखाऊंगा धीरे धीरे जब टाइम लगेगा। फिलहाल तो हम चलते हैं इस वाटरफॉल की ओर जो आप देख सकते हैं। हो भाई, हम जितना नज़दीक जाते हैं फीलिंग उतनी ग्रेट होती जा रही है, एंड ड्रा दिया। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं। यहां पर मेरा एक दोस्त भी आ गया है, इसको मैंने कॉल की थी और इसने हाँ कर दी थी अभी आने के लिए, तो ये जल्दी जल्दी आ चुका है। आप देख सकते हैं कितना तगड़ा व्यू है भाई, कितना तगड़ा व्यू है। आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आज कल यहाँ पर ज़रूर आएँ और इस वाटरफॉल को विजिट करें। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा प्राकृतिक झरना है, इसको देख के दिल करता है यहीं पे मैं बस जाऊं। तो फाइनली दोस्तों, मैं पहुंच चुका अपनी डेस्टिनेशन की ओर। आप तो देख सकते हैं कितना बड़ा वाटरफॉल है, नेचुरल है पूरा। ये अक्सर बरसात के मौसम में ही खुलता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आजकल यहाँ पर जरूर जरूर विजिट करें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को पता, अगर आप लोग शिशु की तरफ जाओगे या धर्मशाला में वाटरफॉल को देखने जाओगे तो आप लोगों को कितना ज़्यादा किराया देना पड़ता है, वहाँ पर टूरिस्ट को कितना ज़्यादा लूटा जाता है। ये करीब कुल्लू से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है और उसके बाद आधे घंटे से भी कम का पैदल रास्ता है। आप लोग जरूर आए, इसको जरूर विजिट करें। और अभी यहाँ पर इतनी ठंड हो चुकी है कि हम आधे घंटे से ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते।
अगर आप बरसात के दिन आते हो तो अपने गर्म कपड़े को लाना ना भूलें। अगर आप आते हो खुले मौसम में जिस दिन अच्छी धूप होती है तो उस दिन आप ऐसे भी आ सकते हो, टी शर्ट में आ सकते हो। अदरवाइज अपनी गर्म जैकेट को लाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि गाइस अभी हमें आधा घंटा ही हो चुका है यहाँ आए हुए और हमें बहुत ही ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो गाइस लगभग यहाँ पर हमें हो चुका है एक घंटे से भी ज़्यादा। मैं और मेरा दोस्त निखिल जो पीछे बैठा हुआ है, इसको हम दोनों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग चुकी है। हम आए थे ऐसे ही घूमने फिरने, हम अभी गर्म कपड़े तो लगाए नहीं है ज़्यादा, ये ऐसे ही नॉर्मल। तो भाई साहब इस व्यू को छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, पर जाना पड़ेगा। आएंगे फिर कभी, अगर कोई आना चाहता है तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। दोस्तों अपने प्यार और आशीर्वाद को मेरे ऊपर इसी तरह बनाए रखें, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि मैं आपको इसी तरह नई नई जगह का विजिट कराता रहूं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।